खंड मिठे लोक डोगरे सहार देता बोल नहीं ओ हार दे गल नहीं सहार देता बोल नहीं ओ हार दे या तड़ ध्यान किधर पल्ले बड़ा जरे सोचा भी यारी मत करो पल्ले खाने दी गल करो भैया बेसिकली लखनऊ से हैं लेकिन भैया आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे भैया डोगरी इतनी अच्छी बोल सकते हैं मेरे को भी नहीं बोलना इतनी अच्छी यार मिठे लोक डोगरे वो देख 10 का टिप्पा 10 का टिप्पा 10 का टिप्पा 3 टिप्पे हैं ये पानी से तो नहीं आ गए मुझे लग रहा पानी से आए गुरु ये पानी इसकी वीडियो बन रही है हाँ ये पानी से आए हैं मुझे लग रहा है क्योंकि इधर चनाब पास में ना तो कई बार जब ज्यादा पानी आता होगा तो इस तरफ पानी आ जाता होगा 30 रुपए की कमाई होगी अपनी चल थोड़ा तो कुछ ओ भाई ये तो आगे कुछ भी नहीं है हम यहाँ चलता हूँ जा सकते हैं हाँ हाँ चल तू देख यहाँ से चल यहाँ पर लगेगा कुछ नहीं होगा वैसे ये खतरों के खिलाड़ी नीचे देख सकते हैं मैं हूँ ध्यान से गाइस 1762 में राजा तेज सिंह द्वारा इस किले की फोर्टिफिकेशन हुई थी तकरीबन आज से 250 साल पहले और फिर 1802 में राजा आलम सिंह ने इसको कंप्लीट किया था जो कि इनके सक्सेसर थे दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जस्ट लुक एट द ब्यूटी और इस फोर्ट के जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद बेग कश्मीरी सो दोस्तों ये जो महल है ये जो अखनूर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है आपको मैं इस एक वीडियो में तो पूरा हिस्ट्री नहीं बता पाऊंगा बट इतना बताना जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने एंशियंट्स मोन्यूमेंट्स पाए गए हैं जो कि हड़प्पा कल्चर्स के टाइम के यहाँ पर पाए गए हैं हड़प्पा कल्चर आप समझ सकते हैं कितना पुराना है वो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स पाए गए थे और बहुत सारे मोनूमेंट्स हमें तो पता भी नहीं है यहाँ से वो ले गए हैं उसको और मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जब हमारे जो जम्मू कश्मीर एक प्रिंसेस स्टेट हुआ करती थी तो यहाँ हमारे राजा महाराजा जो जब उनका तिलक राज तिलक हुआ करता था तो अखनूर के इसी घाट में हुआ करता था ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की सो आपको यहाँ पर आना चाहिए और इतने अच्छे अद्भुत नज़ारों के साथ आपको यहाँ पर अपना एक टाइम स्पेंड करना चाहिए अखनूर फोर्ट में यहाँ से आप अच्छा उसे व्यू देख सकते हैं हमारे सामने चनाब का अभी हम चनाब जा रहे हैं वहाँ पर बोटिंग भी है वहाँ पर अभी हम बोटिंग करेंगे देन आपको वहाँ बोटिंग का व्यू आपको इधर का व्यू दिखाएंगे जब हम बैठे हैं अभी इस टाइम बोट के ऊपर बैठे हैं ना तो हमें नीचे से आवाज़ें आ रही हैं पल्ले वाले भैया हैं अपने बड़े अलग स्टाइल में पल्ले बेच रहे हैं बोल रहे हैं पल्ले वाला इधर है तुम्हारा ध्यान किधर है सो अभी मैं सोच रहा हूँ भैया को यहाँ से पूछता हूँ कि कितने की बेटा भैया पल्ले वाली भैया बिजी शायद पल्ले बेच रहे होंगे अब हम उनके पास ही चलते हैं आपको दिखाते हैं सीधा वहाँ जाके हाँ वो बड़ा दूर है यार वहां से पूरा वो चनाब का व्यू दिखेगा यहाँ से अगर ऊपर चढ़ गए हम तो लोग दिख रहे हैं यहाँ से नहाते हुए चढ़ कोशिश कर इम्पॉसिबल ब्रो ऊपर चढ़ना सो अब हम इस फोर्ट से कर रहे हैं अलविदा हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चनाब नदी के ऊपर बोटिंग करना इसको सीमेंट से क्या मिट्टी की सीमेंट है ये मिट्टी और चूने का और क्ले का मिक्सचर अच्छा बड़े मजबूत होती थी अपने टाइम पे ना सोचो अरे आप किले के ऊपर थे हम नीचे थे कहाँ से क्या उड़ के आना होता मैं चला आता हूँ दोस्तों अभी हम आ गए हैं वही पल्ले वाले भैया के पास जो हमें वाजे मार रहे थे तो मिलाते हैं आप उनसे हम सो ये हैं भैया और ये एक्चुअली ये भैया हैं लखनऊ से भैया क्या नाम आपका नमस्कार मेरा नाम शंकर पंडित है मैं लखनऊ का रहने वाला रेलवे स्टेशन चार बाग प्रॉपर्टी सिटी शहर का रहने वाला भैया यही बात आप डोगरी में बोल के बताएं सर ऐसा है मैं डोगरी से गल कर रहा हूँ तुम्हारे
आए थे दरिया उपर इधर अखनूर चे ते अखनूर चे कोई 22-23 साल हो गए तो सानू काम करते हुए है। तो वीर मैं पल्ले बेचा था, पल्ले दे बेचे यही है कहानी साड़ी। ये दरिया उपर संकर अपने दहाड़ करने अपना काम करा, बिल्कुल, क्योंकि चीज बनाना होंदा शैल ते दरिया उपर अपना काम करना होंदा थोड़ा गली मोहल्ले मोहल्ले बाजार मार्केट हर गे जाना होंदा। जम्मू वाली गड्डी खास करिए ओदे बाद पलायन वाली गड्डी अपना टाइम टपा दा। एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जिस स्टाइल में आपने पल्ले बेचने का, तो आपका स्टाइल है ना, एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखा दो, मेरे को बहुत मजा आया वो सुन के। यार ध्यान किधर है, पल्ले बोला इधर है, सोचा भी यारी मत करो, पल्ले खाने की गल करो, ऐसी चीजें कुछ नहीं लभन की भाई जलंधर लुधियाना बगवाड़ा पंजाब हरियाणा। तो आप भी शॉक्ड हो गए होंगे, भैया लखनऊ से हिंदी से सीधा डोगरी मारने लगे, क्योंकि मेरे लिए भी शॉकिंग था, आपके लिए भी शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया डोगरी बोल पाएंगे इतनी अच्छी। मेरे को भी नहीं बोलना इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी डोगरी हमें नहीं आती सर। यहाँ मैं बुढ़ा अभी जवानी खोया हूँ, मगर बुढ़ावा भी इधर ही खोना चाहता हूँ, क्योंकि दरिया कंडे मेरा मन बसया। दरिया जो ऐसी चीज है, लहर है अपनी, पूरी ठंडी हवा है, ठंडी पानी है, सब कुछ, इसकी मजा आता है। मैं दरिया का पानी 3 टाइम पीता हूँ इधर। तो भैया जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपने स्टाइल में पल्ले बेच के बताइए। यार ध्यान किधर है, पल्ले बोला इधर है, सोचा भी यारी मत करो, पल्ले खाने की गल करो, ऐसी चीजें को देवरी लबण की भाई जलंधर लुधियाना बगवाड़ा पंजाब हरियाणा। सो डोगरी में हमारे एक बात खत्म करते करते हम कहते हैं जय डुगर जय डोगरी जय डगर जय डगर। सो मेरे गलत है, भैया से लेते हैं अलविदा, बट जाते जाते हम अपने दर्शकों को यही बोलेंगे कि जैसे भैया इतनी अच्छी डोगरी बोल पा रहे हैं, ऐसे हम जम्मू वालों को भी चाहिए कि हम भी डोगरी बोलें, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम पे हम डोगरी नहीं बोल रहे हैं, तो डोगरी जो भाषा है वो लुप्त होती जा रही है हमारे इस जम्मू से। सो भैया से सीख लेते हुए डोगरी बोलिए, जय डुगर जय डोगरी महाराज। सो प्यास लग रही थी, अभी पानी पीने का तरीका ये पानी भरते हुए नहीं यार, पानी जा रहा अंदर, ठंडा पानी है, पी के भर भी देंगे पूरा। वीर पार जाने किन्ने पैसे? एक सारी 20 रुपये ते वापस? ठीक है यार, जरूरी होता पानी कड़ना, मैं पानी कड़ना जरूरी होता है, पानी आपू कड़ना पैसा। पहला तुझे डर तो लग रहा लाइफ में, फर्स्ट टाइम तूने तू एक्सपीरियंस कर रहा है, पानी से डर तो लगता, तैरना नहीं आता, बट बोर्ड में यहाँ पे बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, ऐसी कोई कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे एक आधा बंदा डूब भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बचा लेंगे यार, कैसे बचाएंगे, मौत आंदी ना उन कोई नहीं आंदा पुत्र, आगे याद रखे मेरी गल, तू डरा नहीं सॉरी, गड्डी को स्टार्ट होनी है, अभी और बंदे आएंगे, गड्डी पर चलनी पहले कर दो बकवास, इतने बोलो खोली उड़ी टॉप टॉप बोले ऐसे डरने वाली गल तो आनी कोई बड़ा क्लियर व्यू दिख रहा है यहाँ से महल का ना, यही से आए थे हम, बिरो इतम कर यार आज तेरी बिली बिली अखा उधर देख, उधर देख कितना अजीब लग रहा है। मिठे लोग डोगरे मिठड़ी है डोगरे दी बोली के खंड मिठे लोग डोगरे।
सहार देता सुगा। so साहिल खोकर अपनी स्विमिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए पानी में छलांग मार के अभी इस दरिया को क्रॉस करेंगे। मेरे को आता नहीं है, नहा तो आता नहीं। बाढ़ बचे रहा मार डंड एक मार 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 बॉडी बनाई तेरी। पाकिस्तान जाना ना बगैर वीजा दे, थोड़ा और पीछे चली गया और ये स्नान निकलना काम कर यार। चल यारा नहीं जो जानता उधर पानी से तुम वाटर पोल्यूशन फैलांदे हो, मतलब कुछ भी पानी की बोतलें कुछ भी सुट्टी उड़ते, मतलब शर्म करो थोड़ी यार। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पानी को यहाँ पे पोल्यूट ना करें, अपने धर्म की देखो दिस इज़ हाउ द वाटर पोल्यूशन। रूढ़ी आई बिच ये पुजिया पाकिस्तान आगे से भाग भाग जाएंगे गया पाकिस्तान उसकी एक फोटो कर दी ये फोटो बीच पाने लगे और आवाज भी सुन गया। क्या पता ये सब गिर गया भी पाकिस्तान जाने से सीधा ये सब जाएगा इंटरनेट सोच के तो था। सो गाइस दिस ब्लॉग इज ओवर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। ओ मिठड़ी है, ओ मिठड़ी है डोगरां दी बोली के खंड मिठे लोक डोगरे।